दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मेरे साथ हैं। वीरेंद्र जी, आपके हाथ में पेंट है, इसकी वजह क्या है? पेंट है जो अवैध पार्किंग एमसीडी ने लगाई है, उसको हमने मना किया है। छोटी सी लोकल मार्केट है, लोग ब्रेड बटर दवाई लेने आते हैं, गिनती की 20 दुकानें हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल शासित आम आदमी पार्टी और दिल्ली नगर निगम यहाँ भी लोगों से पैसा वसूलना चाहती है और यहाँ अवैध पार्किंग लगा दी और कहने लगे हम पार्किंग। अब 20 रुपए की कोई आदमी ब्रेड या बटर लेने आएगा तो 50 रुपए की पार्किंग देगा, तो ये तो जजिया टैक्स हुआ। उस जजिया टैक्स के विरोध में हमने यहाँ मना किया कि हम यहाँ पार्किंग नहीं लगने देंगे और दिल्ली में ऐसी जितनी भी मार्केट होंगी, जो छोटी मार्केट है, जो घरों के बीच में बनी हुई है, उन पर पार्किंग हम नहीं लगने देंगे। ऐसा विरोध आपका पूरी दिल्ली में है या फिर जहाँ जहाँ बीजेपी के पार्षद हैं आप कह रहे हैं वहाँ ऐसा हो रहा है? देखिए, जहाँ अभी एक विषय हमारे पास यहाँ पर आया, लेकिन डेवलपमेंट के मामले में दिल्ली सरकार सौतेला व्यवहार करती है। हमारे 8 विधायक हैं, उनके फंड रोकती है, उनको लाइटें नहीं देती, उनको सड़क बनाने का फंड नहीं देती, तो वो चीजें हैं, वो लड़ाई है जो जनता के साथ मिलकर हम लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी आरोप बीजेपी पे लगा रही है सौतेला, उनके साथ होते हैं, उनके प्रदेश की झांकियां शामिल नहीं होने देती है। देखिए, गणतंत्र दिवस की झांकी जो है वो राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय गौरव का दिन है, उस दिन पे भी ये राजनीति ढूंढते हैं। सबको पता है कि किसी भी प्रदेश की झांकी में उस प्रदेश की संपन्नता दिखाई जाती है, उस प्रदेश के काम दिखाए जाते हैं। अब ये उस पर भी अरविंद केजरीवाल अपनी फोटो लगाना चाहते थे, असली बात नहीं बता रहे कि रिजेक्ट की हुई है। और मैं तो दूसरी बात कहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में दिखाएंगे क्या कि कैसे शराब की दुकानें खोली, कैसे अस्पतालों में नकली दवाइयां दी, कैसे डीटीसी में घोटाला किया, कैसे जल बोर्ड में घोटाला किया, कैसे फ्लड डिपार्टमेंट ने बिना काम किए पैसे खा लिए, तो चोरियां या अपना राज बंगला दिखाएंगे? तो अरविंद केजरीवाल के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं। पार्किंग की समस्या तो है ना पूरी दिल्ली में? पार्किंग की समस्या है, एमसीडी को अपना अगर राजस्व बढ़ाना तो पार्किंग स्लॉट बनाए और वहाँ लोगों को प्रेरित करें पार्किंग लगाने के लिए, लेकिन इस तरह से आप जजिया टैक्स वसूलेंगे उसका हम विरोध करेंगे। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि शराब घोटाले की आप बात करते हैं, तो आम आदमी पार्टी ने पहले डोर टू डोर चलाया, अब 4 तारीख से जनसंवाद चलाने जा रहे हैं, 4 से 10 जनवरी तक, इसको आप कैसे देखते हैं? कहाँ चलाया जी डोर टू डोर? वो जो सिग्नेचर कैंपेन था उनका कागजों में सिमट के रह गया और वो उनको लग गया कि वो फेल हो गया है, तो अब वो जनसंवाद, जनसंवाद में क्या बताएंगे? वही सवाल कि हमने शराब की दुकानें क्यों खोली, क्या बताएंगे कि नकली दवाइयां अरेस्टिंग होती है तो मुख्यमंत्री बने रहे हैं, जेल से सरकार चलाए, इससे ज्यादा बेशर्म बात हो नहीं सकती। संवैधानिक पद पे बैठा हुआ आदमी जिसने शपथ ली थी कि मैं कानून के नियमों का पालन करूंगा, वो जनता से पूछ रहा है कि मैं जेल जाऊंगा तो मैं शासन करूं कि नहीं करूं, डूब के मर जाना चाहिए। तो बीजेपी विधायक भी हमारे साथ हैं, ये बताइए आपके इलाके में भी ऐसी समस्या देखने को? निश्चित रूप से मेरा ही इलाका है और जगह पे, और ये ब्रेड बटर मार्केट है, लोकल शॉपिंग सेंटर है, और लोकल शॉपिंग सेंटर में जहाँ लोग ब्रेड और बटर खरीदने आते हैं, यहाँ पर पार्किंग शुल्क लगाना अवैध है, जो कि नहीं लगना चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग इसका विरोध करते हैं। आप ही तो कहते हैं पार्किंग की समस्या है, छोटी पार्किंग नहीं, निश्चित रूप से पार्किंग प्रोवाइड कराना ठीक बात है, लेकिन लोकल शॉपिंग सेंटर जहाँ ब्रेड और बटर के लिए लोग आते हैं वहाँ टैक्स लगाना अवैध है, ये जजिया कर है। तो पार्किंग यहाँ चलने देंगे नहीं चलने देंगे? निश्चित रूप से नहीं चलेगी। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर स्थानीय विधायक को भी आपने सुना, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, वो पहुंचे, और ये बोर्ड देखिए यहाँ पर एमसीडी की तरफ से लगाया गया था, बताया गया था पार्किंग के चार्जेस जो हैं वो भी लगाए गए थे, लेकिन इस पर पेंट पोत दिया गया है और कहा गया है कि ये लोकल मार्केट है जहां पर लोग दैनिक इस्तेमाल में होने वाली चीजों को लेने आते हैं, लेकिन यहां पर मार्केट जो है, मार्केट में एक बार राजू दिखा दीजिए किस तरह सामने जो मार्केट है, यहां पर विरोध ये किया जा रहा है कि क्योंकि यहां पर जो पार्षद हैं, जो विधायक हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो ऐसे में लोगों को परेशान करने के लिए ये पार्किंग चालू की गई है, और जो लोग 10-20 रुपए का सामान लेने आएंगे उनको भी यहाँ पर पार्किंग का भुगतान करना होगा। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया है, और साथ ही इस पार्किंग पर पेंट पोदर साफ तौर पर कहा है कि इस पार्किंग को चलने नहीं दिया जाएगा। अपनी वीडियो से होगी राजू के साथ जितेंद्र भाटी।